प्रातः क्लास चल रहा था 27 जुलाई 1964 सोमवार 8वें पेज के आदि में बात चल रही थी। आदि में और अंत में गीता में भी गाया हुआ है मनमना बाबा मध्यादि बाबा, क्योंकि कुछ तो लून है ना, कुछ ज्ञान है। ये भी शुक्र करो जो देवी देवताओं का स्टेटस चला रहा है। वो देवी देवताएं कहीं चले नहीं गए हैं, देवी देवताओं की आत्माएं इसी दुनिया में मौजूद हैं। दूसरे जो आते हैं ना इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन, उनका कोई चित्र थोड़े ही रहता है, क्यों नहीं रहता है, है? चित्र किसके बनाए जाते हैं? जिनका चरित्र होता है उनके चित्र बनाए जाते हैं। द्वापर युग से जो आते हैं वो तो व्यभिचारी बन जाते हैं, उनको चरित्रवान नहीं कहेंगे, इसलिए उनके चित्र भी नहीं है। और तुम्हारा तो चित्र है जो अभी तुमको नालिस देते हैं, उनका चित्र है। ब्रह्मा का पुष्कर में चित्र है, कहाँ चित्र है पुष्कर में ही क्यों बताया है? पुष माने क्या होता है? धक्का देना। तो कोई ने उनको धक्का दिया है, पाकिस्तान जब बना तो सिंध हैदराबाद की ढेर की ढेर बांदेली कन्याएं माताएं कराची पहुंच गई। 1947 में ब्रह्मा बाबा को जोश आ गया तो किसने पुश किया है? उन बांदेली कन्याओं माताओं ने पुश किया और ब्रह्मा के तन से मुरली चल पड़ी। अजमेर में है पुष्कर का मंदिर, एक ब्राह्मण होते हैं जो पुष्करणी होते हैं, वो कथाएं सुनाते हैं। वो जास्ती वैष्णव होते हैं, कौन जो कथाएं सुनाते हैं वो जास्ती वैष्णव होते हैं। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना धामा खाने वाले,
वो दूसरे ब्राह्मण हैं। बाबा को भी बीच बीच में क्या याद आता था, मुरली चलाते चलाते क्या याद आता था, है टोली याद आ जाती थी। तो किस्म किस्म के ब्राह्मण होते हैं। सारस्वत नाम भी रख दिया है। सारस्वत माने हैं सरस्वती पुत्र, विद्या की देवी है ना, तो सभी थोड़े ये नाम रखते होंगे। ये गुजराती क्या नाम बोलते हैं, मराठी क्या नाम बोलते हैं, भिन्न भिन्न नाम है। तो भाषाएं कितनी हो गई हैं ये तो बच्चे जानते हैं कि हम जो अपनी राजधानी स्थापन करते हैं उसमें हमारी एक ही राजधानी, फिर लैंग्वेज भी होगी। जो हम कल पहले भी ये लैंग्वेज में बातचीत करते होंगे ऐसे ही कहेंगे ना। बच्चों को ये मालूम है कि वहां की लैंग्वेज दूसरी होती है। कहां की है, नई दुनिया की लैंग्वेज दूसरी होती है और वो लैंग्वेज कोई संस्कृत वगैरह से कुछ मतलब नहीं रखती है, क्योंकि बच्चे आकर के वहां का बतलाते थे। जो ध्यान में जाते थे, साक्षात्कार में जाते थे, वो बताते थे, उनसे पूछा जाता था। बच्चे जानते हैं कि ध्यान में जाने के बाद उनसे पूछा जाना है। जब पार्ट बजानी थी ना, स्कूल में जाती थी या शादी होती थी तो उनसे ये पूछते थे कि गागर को क्या कहा जाता है, किताब को क्या कहा जाता है, फलाने को क्या कहा जाता है। तो वो उस भाषा में बताते थे। किस भाषा में, कहां की भाषा में हैं, स्वर्ग की भाषा में बताते थे, यहां की भाषा नहीं, उस भाषा में बताते थे। तो अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक जो भी राजाई होती है उनकी अपनी अपनी भाषा होती है। तब तो इतनी भाषाएं हो गई हैं। देखो उर्दू यहां थोड़े ही होगी, मुसलमान लोग आते हैं तो उन्होंने ये भाषा निकाली। तो अभी तुम बच्चों को तो खुश रहना है कि हम अपनी अलग राजधानी स्थापन कर रहे हैं और फिर वहां अपनी भाषा बनाएंगे। एक भाषा कोई नई होगी,
जो भाषाएं यहाँ हैं संस्कृत वगैरह है, वो वहां नहीं हो सकती। उनकी रस्म रिवाज अलग किनकी? देवताओं की। अभी वो तो तुम बच्चे जानते हो कि जो रस्म रिवाज वहां की है वो ड्रामा में नूद है। उस ड्रामा के नूद अनुसार वो अपना महल वगैरह सब बनाएंगे। वहां महल बनाएंगे या प्रकृति मुहैया करेगी? हैं? ये महल बनाने वाली बात क्यों बोल दी? हैं? हाँ, महल कहो, किला कहो, संगठन रूपी किला कहा जाता है। हूबहू जैसे कल पहले भी बनाए थे। नहीं तो भला वहां क्या करेंगे? क्या ऐसे मकान में रहेंगे? ये कोई हीरे जवाहरात के मकान थोड़े ही रखे। जरूर बनेंगे ना, तुम बच्चे बनाएंगे ना। कौन से हीरे जवाहरात है? चैतन्य हीरे, चैतन्य माणिक मोती। जैसे अष्टदेव होते हैं, नौवा पुखराज होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसे ही आठ प्रकार के जवाहरात गाए हुए हैं नंबर वार। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने न्यू दिल्ली बनाई और उनका नाम उन्होंने रखा। क्या नाम रखा? नई दिल्ली। न्यू दिल्ली को भारतवासियों ने थोड़े ही बनाया, नहीं, इंग्लिश वालों ने आकर के ये न्यू दिल्ली बनाई। जिसको ये लोग न्यू कहते रहते हैं। अभी बरोबर तुम जानते हो कि हम उसका नाम दिल्ली नहीं रखेंगे। किसका? राजधानी का नाम दिल्ली नहीं रखेंगे। जानते हो कि इस दिल्ली को फिर तोड़ करके हमको तो सारी दुनिया नई में नई दिल्ली चाहिए। क्या सारी दुनिया कैसी चाहिए? नई चाहिए, और नई दुनिया में भी नई दिल्ली चाहिए। वो तो हमको हीरे जवाहरातों का बनाना पड़ेगा। हूबहू ऐसे ही अभी वो नई दिल्ली है तो नहीं ना, वो कोई महल थोड़े ही रखे हुए हैं। परंतु बुद्धि कहती है कि हम वहां बहुत फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। अभी जो पक्के बच्चे होंगे वो तो समझेंगे कि हम फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। 27/7/1964 की वाणी का 9वां पेज। परंतु हम पहले घर जाएंगे,
फिर आकर के राजधानी में अपना महल बनाएंगे। क्यों? घर जाने के लिए क्या करना पड़े? मन मना भव, फिर मध्याजी भव। याजी मन यज्ञ, यज्ञ करने वाला कौन सा यज्ञ है? स्थूल चीजों का यज्ञ है, मेटेरियल यज्ञ है? नहीं, कौन सा यज्ञ करेंगे? ईश्वरीय सेवा का यज्ञ करते हैं। तो जब ये आपस में मिले तब कहो बहन जी या कोई भी भाई जी, अभी तो बाकी थोड़ा समय है इस छी छी दुनिया में। हम तो अभी जाएंगे बाबा के घर, पीछे आएंगे, आकर के अपनी राजधानी संभालेंगे। ऐसे ही कहेंगे ना? फिर ऐसे ऐसे लिबास पहनेंगे जैसे देखते हो सामने ये लक्ष्मी नारायण। अभी ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना? है? प्रैक्टिकल लिबास क्या होता है? प्रैक्टिकल है बनाइए लक्ष्मी नारायण को जो लिबास का इतना तामझाम दिखाया है, कोई वो स्थूल तामझाम नहीं है। ये तो दिव्य गुणों का श्रृंगार है। तो प्रैक्टिकल में तो अभी वो दिव्य गुण नहीं है, वहां तो और ही होंगे। ये तो खाली पत्थर की मूर्तियां हैं, और जो यहां पर जेवर भी पहनाते हैं तो आगे तो बहुत सच्चे जेवर पहनाते थे। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अगर बना हुआ होगा तो कितना डाला होगा, और फिर जिसमें शिव का मंदिर था उसमें तो कितना बड़ा बड़ा हीरा होगा। शिव का जो लिंग बना हुआ होगा वो तो बहुत बड़े बड़े सब्ज पन्ना होता है, माणिक होता है, सफेद हीरा होता है, नीलम होता है, उनके वो बनाती थी। ये समझने की बातें हैं ना, कोई ऐसी तो बात नहीं है कि स्थूल माने के हीरे पन्ना होंगे, क्योंकि जानते हैं कि हमारे शिव बाबा के मंदिर को जिसको सोमनाथ कहा जाता है बरोबर मुसलमानों ने जाकर के लूटा। जो भक्ति मार्ग के शुरू में बनाए, अब मालूम नहीं है किसी को भी कि कब बनाए थे। तुम जानते हो कि बरोबर आज से 2500 वर्ष पहले या 2200 वर्ष पहले
नहीं तो 2000 वर्ष पहले जरूर इस शिव का मंदिर पहले बना होगा। इसकी यादगार बताई, सोमनाथ मंदिर की यादगार बताई। सोमनाथ क्यों कहा? क्योंकि आप ही पूज्य सो फट से पुजारी बन जाते, तो फिर पूजा किसकी? पूजा कहा ही जाता है जिस मूर्ति को कोई बैठकर पूजा करे, उसको पुजारी कहा जाता है। जब तक कोई मूर्ति नहीं है, पुजारी उनको कहा नहीं जा सकता है। तो देखो, आप ही पूज्य लक्ष्मी नारायण, आप ही पुजारी, तो बैठ करके अपने ताज व तख्त देने वाले का सोमनाथ का मंदिर बनाया है। उनका नाम ही है सोमनाथ। क्या हुआ? काम के आधार पर सोमनाथ नाम पड़ा। क्या हुआ सोमनाथ का? सोम माने चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, जिसकी रोशनी शीतल होती है, उस शीतल रोशनी में बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी, माँ होती है बड़े प्यार से बच्चों को पढ़ाती है, पढ़ा करके इतना तो होशियार नहीं बनाती है, जो ऊंचे क्लास में जाने की जरूरत न रहे। सोम माने चंद्रमा, मीठी मीठी माँ की तरह लोरी देने वाली, बच्चों को ज्ञान सुनाने वाली माँ, उसका नाम रखा ब्रह्मा, उनका नाथ चंद्रमा का नाथ, क्योंकि तुम बच्चों को सोम रस पिलाते हैं। कौन? सोमनाथ। नाथ क्यों बोला है? अरे नाथ किसको डाली जाती है? बैल को मां नाथ डाली जाती है। तो अड़ियल स्वभाव की बात बताई, बोला सोम रस पिलाते हैं ना, कौन? सोम या सोमनाथ? सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं। सोम रस पीकर देवताएं क्या वहां बन जाते हैं? अमर बन जाते हैं। तो अभी सोम रस कहें है, ज्ञान को अभी सोम रस कहें, कहें या नहीं कहें? जैसे पहले जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो मुरली में कहते थे, अभी ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे,
गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे है? क्योंकि अमृत तो मंथन करके बनाया जाता है, कोई चीज का सार निकालते हैं तो मंथन करते हैं ना, दूध का दही का सार निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं तो मथना होता है ना, तो ये भी ब्रह्मा के मुख से माता के मुख से जो गीता ज्ञान सुनाया वो गीता ज्ञान तो था लेकिन अमृत नहीं था। उसका तुम बच्चे मंथन करते हो तो सागर मंथन प्रसिद्ध हो गया। अब सोमरस क्या हुआ है? सोम माने चंद्रमा, और चंद्रमा का रस क्या? चंद्रमा रसीला कब बनता है, कब रस देता है? जब ज्ञान चंद्रमा संपूर्ण बनता है, संपूर्ण बनता है तो सोम रस मिलता है। ज्ञान अमृत नहीं, अभी क्या कहेंगे? अभी ज्ञानामृत कहेंगे या सोमरस कहेंगे? क्या कहेंगे हैं? अभी तो ज्ञानामृत कहेंगे, मंथन हो रहा है, अमृत रस निकल रहा है, परंतु सोमरस नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि सोमरस पीकर तो देवताएं क्या बन जाते? अमर बन जाते। तो अभी हम अमर बने हैं है? आज निश्चय बुद्धि बनते हैं, जन्म लेते हैं, बाप के बच्चे बनते हैं, और कल है? कल मर जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि रूपी मौत हो जाती है। तो ये नहीं कहेंगे कि हम सोम रस पी रहे हैं, सोम रस नहीं, क्या पी रहे हैं है? ज्ञानामृत पी रहे हैं। तो ज्ञानामृत किसके द्वारा और सोम रस किसके द्वारा है? अरे ज्ञानामृत सोमनाथ के द्वारा और सोमरस, सोम माने चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा संपन्न बनती है तो सोमरस निकलता है। वो भी नॉलेज है, नॉलेज देने वाला है ना, तुमको एकदम बहुत धनवान बनाया, फिर उसी धन से तुम बैठ करके उनका मंदिर बनाते हो। किनका? सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, बाप का मंदिर है ना, तो जानते हो कि बरोबर हम जाकर के वहां, क्योंकि प्रजा भी तो होगी ना, भक्ति मार्ग में प्रजा बहुत होगी, ढेर की ढेर होगी, क्योंकि फिर तो घर घर में मंदिर बनाते,
तुम जानते हो कि बरोबर वहां जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो हम पुजारी बन पहले पहले शिव की भक्ति करेंगे। बाबा हमको अभी जो नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज तो भक्ति मार्ग में नहीं रहेगी है? तो कौन सी रहेगी है? फिर भी भक्ति मार्ग में बिगर नॉलेज के देखो कितने चित्र बनाते हैं। जिसका आता है अंधश्रद्धा से चित्र बना देते हैं। नहीं तो यथार्थ चित्र तो बच्चों को समझाया गया। यथार्थ चित्र कौन कौन से हैं? शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर संगम युग पर सबसे ऊंचा शिव बाबा, ब्रह्मा सरस्वती और उनके बच्चे, फिर इनसे दो ग्रेड कम लक्ष्मी नारायण। ऊंच नहीं, दो ग्रेड कम, क्योंकि यहां तुम बहुतों का जीवन बनाती हो। वहां तो कोई मनुष्य बैठ करके कोई का जीवन नहीं बनाते हैं। गुरु गोसाई तो वहां कोई होते नहीं है, तो बाप बैठ करके समझाते हैं। बाप सन्मुख है तो तुम बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। कब अच्छी तरह समझाते हैं? जब सन्मुख है। और जब सन्मुख नहीं होता है जिन बच्चों के, तो वो बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। बच्चे भी कहते हैं हाँ हम आत्माएं बैठे हैं और बाबा से सुन रहे हैं। बाबा भी निराकार है, हम आत्माएं कानों से सुन रही हैं, हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। 27/7/64 की वाणी का 10वां पेज। कोई जन्म में बैरिस्टर बना, कोई जन्म में क्या बना, कोई जन्म में बढ़ई बना, कोई क्या बना। ऐसी नहीं है कि कोई जन्म में गधा बना, कोई जन्म में कुत्ता बना है? भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? मनुष्य 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, कुत्ता बिल्ला गधा बनता रहता है। बाप कहते मैं आकर के गीता ज्ञान सुनाऊंगा, जिस ज्ञान से गति सदगति होती है वो कुत्ता बिल्ला गधा को सुनाऊंगा क्या? जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, तुम अभी जानते हो अपने 84 मनुष्य तन को जानते हो कि बरोबर मैं ऐसे ऐसे वर्ण में आता जाता हूं या आती जाती हूं। आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं। बरोबर सतयुग में थे तो पुनर्जन्म सतयुग में, त्रेता में थे तो पुनर्जन्म त्रेता में, द्वापर में तो पुनर्जन्म द्वापर में, कलयुग में तो पुनर्जन्म कलयुग में होता है। अगर ऐसे ही होता रहे
कि सतयुग वालों का सतयुग में ही जन्म हो तो त्रेता आएगा है? त्रेता वालों का त्रेता में ही जन्म हो तो द्वापर आएगा, फिर ऐसे क्यों बोला है? यहां संगम युग की बात है, सात्विक स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं तो जन्म कहाँ होता है? हैं? सतयुग में जन्म होता है। सतो सामान्य स्टेज का पुरुषार्थ करते हैं तो जन्म कहाँ होता है? त्रेता में होता है। ऐसे ही द्वैतवादी युग में जन्म लेते हैं अर्थात दो दो बातें सुनने लग पड़ते हैं। सुनते हैं कि नहीं? कि एक से ही सुनते हैं? दो दो बातें सुनने लग पड़ते हैं तो द्वापर में जन्म मिलता है और कलह क्लेश के युग में जन्म लेते हैं, बात बात में लड़ाई, एक एक ज्ञान के पॉइंट को लेकर के लड़ाई, तो कहां जन्म मिलता है? कलयुग में जन्म मिलता है। ऐसे ये बातें अच्छी तरह से समझ गए ना, अच्छी तरह से, और बरोबर तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि हम आत्मा भी आशिक बनी है एक माशूक परमात्मा के है? जब एक के आशिक बने हैं तो द्वापर में जन्म लेगा या सतयुग में जन्म लेगा? परमपिता परमात्मा तो सतो प्रधान ही है ना, सदा सात्विक गुण वाला है ना। माशूक परमात्मा का आत्मा आशिक बन और उनसे वर्षा लेती है। कौन सा वर्षा लेती है? कौन से युग का है? अरे अरे परमात्मा से कौन से युग का वर्षा मिलता है? सतयुग का वर्षा मिलता है। तो देखो तुम आत्माएं अभी आशिक बनी हो, वो दुनिया में तो विकार के लिए आशिक माशुक बनते हैं, वो शरीर के लिए आशिक माशुक बनते हैं जिनका नाम गाया जाता है कि वो आशिक माशुक शरीर पर फिदा होते हैं, विकार में नहीं जाते हैं। ये फिर आत्मा आशिक होती है माशुक परमात्मा की, तो ये ठीक बात है ना। ऐसे कोई की भी आत्मा प्रैक्टिकल में, वो भक्ति मार्ग में नहीं, देखते हो कि बरोबर शिव बाबा के सारे भगत आशिक और उस माशू को याद करते हैं। वो जो आत्माएं हैं उनके सामने उनका माशू बैठा रहता है और माशू की महिमा बहुत भारी है। पतित पावन माशू को कहा जाता है, माशू का करके जो आशिक हैं, जो पतित बन गए हैं उनको आकर के पावन बनाते हैं। तो आत्मा पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा जितना जितना पतित बनती है
इतना इतना पतित शरीर मिलता जाता है, ताकि पिछाड़ी में आत्मा और शरीर दोनों मुलम में जैसे बन जाते हैं। अभी समझा बच्चों ने अच्छी तरह से, बाबा क्या करके सुनाते हैं। और फिर बच्चे, तुम्हारा तो अंजाम है कि सुन करके फिर औरों को सुनाएंगे, ये चक्कर कैसे फिरता है। हम अभी किसके आशिक बने हैं? मासू के, हम आत्मा आशिक बने हैं। बस इस समय में आशिक और मासूक प्रैक्टिकल में बनते हैं। किस समय में है? किस समय की बात है? पुरुषोत्तम संगम युग की बात है। गाते बहुत हैं, उफ कितना गीत गाते हैं। देखो मुसलमान कव्वाली गाते हैं ना, क्या गाते हैं? कव्वाली। नाम क्या रख दिया? ये क्या होता है? हैं? कौआ आली। आली कैसी? कौआ। कौआ क्या करता है? हैं? नहीं, गंद खाता है। तो वो आली ऐसी है उनकी जो गंद बहुत खाती है, और उसकी कव्वाली बनाई दी है। तो देखो कितना गाते हैं, इश्क 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 गाते ही रहते हैं। अरे किसके साथ है इश्क है? किसके साथ है इश्क है? पवित्र के साथ है या गंद खाने वाली के साथ है? अरे मुसलमान किसके साथ है इश्क करते हैं? और तुम तो एवर प्योर के साथ इश्क करते हो। कोई गायन थोड़े ही होता है उनके इश्क पाने का। इस समय गायन है, तुम आत्माएं अभी आशिक बनी हो मासूक परमपिता परमात्मा से, जो मासूक फिर शरीर में बैठ करके तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते। तो जो सिखलाने वाला है कितना प्योर है। ये मुसाफिर तुम बच्चों को प्योर बनाए करके बहुत सुहेना बनाए देते। ये अपना चोला हुसैन का नहीं लेते हैं। कौन है ये आशिक? अपना चोला हुसैन का नहीं लेते हैं। ये कभी भी फर्स्ट क्लास ड्रेस नहीं पहनते। और तुम बच्चों को तो पहनाते हैं। बच्चे तुम वहां जाकर के फर्स्ट क्लास शरीर धारण करना। मेरी तकदीर में तो यही पुराना पति शरीर है। किसकी तकदीर में? हाँ? शिव बाबा की तकदीर में। अच्छा तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंची। तो देखो तुम बच्चे वहां जाकर के फर्स्ट क्लास शरीर लेंगे। मैं तो कभी भी नया शरीर धारण करता ही नहीं हूं। न पिछले कल्पों में, न इस कल्प में, न अगले कल्पों में। और करता भी हूं तो ये पतित शरीर धारण करता हूं।
अभी जान लिया ना, तुमने अच्छी तरह से पहचान लिया ना, ये बात बुद्धि में बैठती है कि मैं इस समय में आता हूं। किस समय में है? जबकि सारी दुनिया पतित बन जाती है, सब धर्म पतित बन जाते हैं, और उनमें भी सबसे जास्ती कौन पतित बनते हैं? सब धर्मों के बीच में सबसे जास्ती पतित कौन बनते हैं? अरे जो नए नए आए धर्म है वो, या जो सबसे पुराना कौन, जिसको कहते हैं आदि सनातन। सनातन माने पुराना, पुराना तो है लेकिन पुराने में भी आदि करने वाला, नई सृष्टि की। अच्छा चलो, इनके शरीर में कोई काम करता हूं, कौन बोला है? है? शिव बाप बोला? क्या बोला? अच्छा चलो, इनके शरीर में कोई काम करता हूं, तो हैं तो सभी पते थे। क्या मतलब? अरे सभी पतित हैं तो सबके शरीरों में काम करे ना, इनके शरीर में क्यों करता हूं? हैं? क्योंकि ये तो सबसे पुराना लांग बूट है, हम पावन शरीर में आता ही नहीं हूं, मुझे न पावन शरीर की तकदीर है और न राज्य करने की तकदीर है। क्या? और तुमको? तुमको तो अनेक जन्म पावन शरीर मिलता है और बहुतों को राज्य भी मिलता है, इसलिए मैं तुम बच्चों का निष्काम सेवाधारी हूं, इसलिए कि दुनिया में जो भी बाप होते हैं वो अपने बच्चों से आशा करते हैं कुछ प्राप्ति करने की, और बाप तुम बच्चों से कोई भी आशा नहीं करते हैं। 27-7-64 की वाणी का 11वां पेज। ऐसे निष्काम मासूक सेवाधारी को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और तुम ऐसे को बहुत भूल जाते हो, भूल जाते हो तो फिर तुमको माया का चक्कर पहनाती है। माया तुमको कितना चक्कर पहनाती है। अच्छा बच्चे टोली लाओ। क्या याद आया? घड़ी घड़ी क्यों याद आता है? है ब्रह्मा बाबा कौन से ब्राह्मण है? है धामा खाने वाले ब्राह्मण। देखो ये कैसी है नेचर की ओर, किस प्रकार से, कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से एवर प्योर बन जाएंगे फॉर 21 जनरेशन, तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब ये देखो नेचर की ओर कैसा है, वो दुनिया वालों का तो नेचर की ओर
पाई पैसे का भी नहीं है। और ये तो गारंटी करते हैं, और कोई गारंटी कर सके फार्चियो इक्कीस जनरेशन कहेगा तुमको इक्कीस जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं, क्योर रहेंगे। और ये तो देखो क्योर बनाते हैं, क्योंकि ये बीमारी है उनको छुड़ाने के लिए। कहते हैं इन बातों से तुम क्योर हो जाएंगे। पीछे अनेक प्रकार के कोई कैसा रास्ता बताते हैं। वो नेचर क्योर वालों में भी बहुत रास्ता बताने वाले हैं, परहेज कराते हैं, क्या क्या कराते रहते हैं। परहेजें तो हैं और याद वो भी है, क्योंकि तुमको देवता बनना है, इसलिए तुम लोगों को परहेज है। बाकी निराकारी निर्विकारी बनने के लिए तुम्हारे लिए सिर्फ याद है। इसको कहा जाता है रियल नेचर क्योर फॉर इक्कीस जनरेशन। इस बात से याद करने से आशिक और मासूक तो कड़े अक्षर हैं, वो तो छी छी अक्षर है ना, इसलिए हम बाप कहते हैं, अपने पुराने शरीर से सुनते हैं, ये भी पुराने शरीर से सुनाते हैं, ये बता देते हैं कि बस अभी बाकी कितना रोज होंगे। जितना ये योग में रह करके बांटेंगे उतना उनका हृदय शुद्ध होता जाएगा। इसको देखते रहो, शिव बाबा को याद करते रहो, फिर दान देते रहो। राय भी देता हूं, जो जो जैसा है, अगर तुम चाहो कि मैं बहुत ऊंचा पद पाऊं, मम्मा बाबा की पिछाड़ी में हम तख्त लूं, अभी भी ले सकते हैं, अगर श्रीमत पर चले तो। अच्छा, मीठे मीठे सौभाग्यशाली और भाग्यशाली सिकिले बच्चे, सौभाग्यशाली कहा जाता है जो पुरुषार्थ करते हैं बाप से पूरा वर्षा लेने का, फिर भाग्यशाली और फिर कहा जाता है दुर्भाग्यशाली जो आश्चर्यवत सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं, उनको फिर कहा जाता है महान दुर्भाग्यशाली। उन जैसा दुर्भाग्यशाली कोई सृष्टि में ड्रामा में होता ही नहीं। किन जैसा है? अरे जो सुनंती कथंती और भागंती हो जाते हैं। तो बाप ऐसे कहते हैं ना, सौभाग्यशाली सिकिल दे नूरो रत्नों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग फॉर द टाइम बीइंग या विदाई थोड़े ही समय के लिए। आज तो सोमवार है ना, तो सोमवार और गुरुवार, सोमवार है शिव का और गुरुवार है सोमनाथ का मनाते। ये बरोबर सोमनाथ यानी सोमरस पिलाया, पिलाया है शिव ने, परंतु पहले जो तुम सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, क्योंकि खजाना दिया ना। कोई बच्ची ने कहा
आज मम्मा 1 बजे आएगी। हाँ मम्मा आएगी, उनके लिए तो बच्चों को बताई दिया कि क्या करना है, थोड़ा बहुत कुछ फूल वूल यहाँ लगा दिया तो बाबा मना नहीं करते हैं, कोई कीले वीले नहीं ठोकने का है यहाँ। अच्छा, ओम शांति।